हेलो इवान, कैसे हैं आप लोग? होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की प्रॉपर्टी 1200 स्क्वायर फीट पे होने वाली है। इस घर के इस इंटीरियर के आप डेफिनेटली दीवाने हो जाएंगे, बिकॉज इसका जो इंटीरियर है ना, बहुत टॉप क्लास का आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया हुआ है। थ्रू आउट द होम अगर आप इस घर को देखेंगे तो डेफिनेटली यू गोइंग टू लाइक दिस ओवरऑल इंटीरियर एंड ओवरऑल डिज़ाइन, बिकॉज ऐसे डिज़ाइन आपको बहुत कम घर में देखने को मिलते हैं। एंड डेफिनेटली दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन। ये पूरा घर आपको वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। 1200 स्क्वायर फीट पे 4 BHK की डिफरेंट प्लानिंग, ऐसी प्लानिंग तो डेफिनेटली आपने नहीं देखी होगी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ये डिज़ाइन एज अ ओवरऑल घर बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, और साथ में आपको ये मिलता है कवर्ड कैंपस में। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्लीज़ स्टार्ट से एंड तक देखिए तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं पार्किंग सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं, और इन दी एंड ऑफ दिस वीडियो आपको एलिवेशन का भी डिज़ाइन देखने को मिलेगा। अगर हम पार्किंग सेक्शन की बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में 2 व्हीलर पार्किंग, राइट हैंड साइड में 4 व्हीलर पार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। 2 व्हीलर पार्किंग से आपको फर्स्ट बेडरूम का गेट मिल जाता है, विच इज़ लाइक अ 2-वे एंट्री। वन इज़ फॉर योर लिविंग एरिया, वन इज़ फॉर योर बेडरूम। ओवरऑल डिज़ाइन देखे पार्किंग सेक्शन को, यहाँ पे मल्टीपल प्लांटेशन स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक लैंप मिल जाएगा जो काफ़ी एनहांस करता है एज अ ओवरऑल पार्किंग सेक्शन। मीटर बॉक्स कवर्ड है इन द वुडन फॉर्म, एंड फॉर द वेंटिलेशन एंड सनलाइट पर्पस आपको बिग स्लाइडर विंडो यहाँ पे इंक्लूडेड देखने को मिल जाती है ऑन द डोमाल सेक्शन। एंड जैसे हम घर में एंट्री करते हैं तो फर्स्ट जो आपको एंट्री देखने को मिलती है, आपको मिलता है 4x8 का विनियर में आपको प्योर क्वालिटी का एज अ गेट। गेट की फिनिशिंग एंड प्रीमियमनेस आपको फ्रंट साइड में देखने को मिलती होगी। डिजिटल लॉक मिल जाएगा, प्लस आपको जो हैंडल मिलता है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का गोल्डन कलर में देखने को मिल जाता है। जैसे हम घर में एंट्री करते हैं तो फर्स्ट जो सेक्शन आपका होने वाला है, इट इज़ योर लग्जरी लिविंग एरिया। लिविंग एरिया की बात करें, काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी ब्रॉड, एंड वन इट इज़ कनेक्टेड टू योर डबल हाइट सीलिंग। आपको पूरा यू शेप में सोफा सेटिंग यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंड इट इज़ अंडर डबल हाइट सीलिंग। यहाँ पे एक सैंडल इंक्लूडेड देखने को मिल जाता है। वॉल पर डिफरेंट पैनल डिज़ाइन देखने को मिल जाती है एज अ प्रोफाइल लाइट वर्क, एंड स्क्वायर शेप में पूरा यूरोपियन थीम के अकॉर्डिंग ये वॉल डिज़ाइन किया हुआ है। आपको यू शेप में पूरा जो सोफा सेटिंग मिलता है, यहाँ पर भी आपको मेटल का डिज़ाइन देखने को मिल जाता है कुशन के साथ। बीच में आपको स्क्वायर शेप में पूरा टेबल टॉप मिल जाएगा। मल्टीपल आर्टिफैक्ट्स आपको यहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, जिससे क्या होता है ना, पूरा जो ओवरऑल लुक है काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल जाता है। प्लस ऑन द राइट हैंड साइड सेक्शन आपको एक एडिशनल स्पेस मिल जाती है फॉर द फैन, बिकॉज डबल हाइट सीलिंग में आप डायरेक्ट फैन इंक्लूड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको एक काफ़ी स्पेस मिल जाती है। एंड दिस इज़ योर विंडो विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर पार्किंग सेक्शन। तो काफ़ी एक बढ़िया डिज़ाइन के साथ आपको हर एक चीज़ का एक प्रॉपर स्पेस मिल जाता है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एंड अदर स्पेसेस। जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर सिटिंग अरेंजमेंट आपको मिल जाता है पाउडर वॉशरूम। इट इज़ लाइक फॉर योर आउटसाइडर और रिलेटिव जो भी घर में आते हैं, काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है टू यूज़ योर इनसाइड वॉशरूम जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर लिविंग एरिया सेक्शन। अगर हम जैसे ही थोड़ा आगे जाते हैं तो आपको दो चीज़ें मिल जाती है, लेफ्ट हैंड साइड में डाइनिंग स्पेस एंड राइट हैंड साइड में पूरा मॉडुलर स्पेस। जैसे ही हम लेफ्ट साइड थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो आपको एक अनदर सेक्शन देखने को मिल जाता है एज अ प्लेस होल्डर फॉर योर डाइनिंग स्पेस। आप यहाँ पे चीज़ें आपके कटलरी वगैरह भी रख सकते हैं। एंड आपको जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस आपको मिल जाता है 6-सीटर डाइनिंग स्पेस। एक लग्जरी डिज़ाइन के साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ओवर द टॉप साइड आपको POP फॉल सीलिंग कम्प्लीट एंड मल्टीपल फैंस एज अ डिफरेंट वन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो काफ़ी एनहांस करते हैं एज अ ओवरऑल डाइनिंग स्पेस। यहाँ पे आपको कटलरी वगैरह सब कुछ इंक्लूडेड देखने को मिलता है बिकॉज इट इज़ फुल्ली फर्निश्ड। और काफ़ी क्रीमिश कलर का कॉम्बिनेशन डिज़ाइन है जो फैन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया हुआ है, जिससे क्या लगता है ना, वन कैबिनेट लगता है। जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस आपको मिल जाता है आपका TV पैनल यूनिट। इसका जो डिज़ाइन है काफ़ी ब्यूटीफुल है बिकॉज इसका जो वर्क है आपको विनियर में देखने को मिल जाएगा इन अ वुडन फॉर्म। बैक साइड में पूरा ड्रॉप है आपको वॉलपेपर में देखने को मिल जाएगा। जो आप TV पैनल यूनिट पे जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, आपको CCTV कनेक्टेड थ्रू आउट द होम आपको वन एंगल में देखने को मिल जाएंगे, प्लस आपको AC भी यहाँ पे कनेक्टेड देखने को मिल जाता है। जैसे हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो आपको एक अनदर सेक्शन मिल जाता है विच इज़ लाइक सेपरेट वन फॉर योर पूजा पार्ट एंड अदर पर्पस के लिए। आराम से 5-6 मेंबर आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, मोर देन दैट भी बैठ सकते हैं।
बैक साइड की बात करें, फ्रंट साइड की बात करें, यहाँ पे आपको मल्टीपल आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जिससे क्या होता है ना, पूरा पूजा स्पेस आपको बहुत भरा भरा लगता है, हर चीज़ें कॉम्बिनेटेड लगती हैं, मल्टीपल स्टोरेज मिल जाते हैं। बैकड्रॉप में आपको यहाँ पे विनियर में वर्क देखने को मिल जाएगा विथ ओम फिनिश एज अ बैकग्राउंड वन, जो काफ़ी ब्यूटीफुल बनाता है इस ओवरऑल पैनल को भी। एंड बीच में जो टाइल्स का वर्क है, इट इज़ बेस्ड ऑन द टेम्पल डिज़ाइन, जो काफ़ी एक वाइब भी देता है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर भी देता है इन योर पूजा रूम सेक्शन। आपको दोनों साइड स्टोरेज मिल जाएंगे विथ स्टोन वर्क ओवर द टॉप साइड। जस्ट कनेक्टेड टू योर डाइनिंग स्पेस आपको एक स्टैंडिंग ब्रेकफास्ट टेबल भी इंक्लूडेड देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी नीडेड होती है अगर हमारे मेंबर्स हैं हरी में रहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे स्टैंड करके ब्रेकफास्ट डन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको बीच में स्टोरेज मिल जाएगा, ओवर द टॉप साइड भी मिल जाएगा। प्लेटफॉर्म आपको स्टोन में मिल जाता है एज अ वाइट स्टोन। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल कटलरीज इंक्लूडेड देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी एनहांस करती है एज अ ओवरऑल लुक। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक के साथ आपको मल्टीपल आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे क्या होता है ना कि घर का हर एक कॉर्नर काफ़ी डिफरेंट शो होता है फ्रॉम द फ्रंट साइड। अगर हम बात करें अपने मॉड्यूलर सेटअप की, सो दिस इज़ योर टोटल मॉड्यूलर सेटअप, प्योर क्वालिटी वन। ओवर द टॉप साइड आप देखें तो आपको सीलिंग लाइट का वर्क देखने को मिल जाएगा, एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ द यूनिक कॉन्सेप्ट। प्लस आपको जो भी प्लेटफॉर्म मिलता है यहाँ पे आपको क्वार्ट्ज में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑल द इलेक्ट्रॉनिक आइटम इंक्लूडेड देखने को मिलते हैं, विच इज़ रियली नीडेड इन योर मॉड्यूलर सेटअप। प्लस आपका गैस मिल जाएगा, गैस हॉब के साथ आपकी चिमनी मिल जाएगी विच इज़ ऑल्सो इंस्टॉल्ड, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। प्लस जो आपके कैबिनेट्स हैं, मल्टीपल कैबिनेट्स हैं, आपको क्रीमिश फॉर्म में एज अ कैबिनेट डिज़ाइन में देखने को मिल जाएंगे। प्लस नीचे जो आपको टैंडम बॉक्स मिलते हैं, इट इज़ अ सॉफ्ट क्लोजर ओवर द स्क्रीन, जैसा आप देख पा रहे हैं। रियल में देखेंगे ना, डेफिनेटली गोइंग टू लाइक दिस ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन। प्लस अगर हम देखें ओवर द कैबिनेट साइड, यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक मिलता है, एंड जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको मिल जाता है लिक्विड एरिया। लिक्विड एरिया में सिंक आ जाएगा, मल्टीपल टैब्स आ जाएंगे फॉर योर वॉशिंग पर्पज। यहाँ पर आपको एडिशनल स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें आप ग्रॉसरी वगैरह और डे टू डे के आइटम यहाँ पे भी रख सकते हैं। इसके साथ भी आपको एक एडिशनल चीज़ मिलने वाली है, विच इज़ योर डबल डोर रेफ्रिजरेटर। इट इज़ लाइक रियली गुड इफ़ एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड, बिकॉज हम लोग जो शुरू से बोल रहे हैं फुली फर्निश, आपको कुछ भी नहीं लाना है आउटसाइड से, क्लोथ भी नहीं लाना है, बिकॉज ऑन एनिवर्सरी वी विल प्रोवाइड योर क्लोथ एज वेल। एंड दिस इज लाइक गुड डिज़ाइन, गुड प्लानिंग। जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको मिल जाता है आपका वॉश एरिया। वॉश एरिया इज़ रियली नीडेड फॉर योर वेंटिलेशन एंड सनलाइट पर्पज इन योर मॉडलर सेटअप। यहाँ पर आपको वॉशिंग मशीन इंक्लूडेड देखने को मिल जाएगी, विच इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड। 4 feet तक आपको टाइल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भी आपको एक विंडो मिल जाती है, विच इज़ रियली नीडेड फॉर योर इन एंड आउट एयर पास। सो ओवर द ग्राउंड फ्लोर आपने देखा मॉडलर सेटअप, डाइनिंग स्पेस, स्टैंडिंग ब्रेकफास्ट टेबल, लिविंग एरिया, पाउडर वॉशरूम एंड मल्टीपल थिंग्स ओवर दिस। प्लस आपको एक एडिशनल चीज़ यहाँ पे मिलने वाली है, जैसे हम फॉरवर्ड जाते हैं तो आपको मिलता है आपका फर्स्ट मास्टर बेडरूम। दिस इज़ लाइक फुल्ली फर्निश्ड, तो आपको बेडरूम भी फुल्ली फर्निश्ड में यहाँ पे मिलने वाला है। बेड आपको फुल्ली डेवलप्ड मिलेगा, प्लस बेड हेड आपको बहुत ही प्योर क्वालिटी का कुशन के साथ मेटल का वर्क देखने को मिल जाएगा। वॉल को सिंपल ना बना के वॉलपेपर का टेक्सचर प्लस हैंगिंग लाइट का वर्क देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपका टीवी पैनल यूनिट, एसी एंड पूरा जो ड्रॉप है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न सेटअप यहाँ पे डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। प्लस फॉर द वेंटिलेशन एज अ लाइट पर्पस आपको मिल जाती है बिग स्लाइडर विंडो हैवी ग्रिल के सपोर्ट के साथ फॉर द सिक्योरिटी एंड अदर रीजन। दिस इज़ लाइक अनदर एंट्री, जब आप पार्किंग सेक्शन में एंटर करेंगे तो आपको लिविंग एरिया से भी मिलती है एंट्री और फर्स्ट मास्टर बेडरूम से भी एंट्री देखने को मिलती है। यहाँ पर एक अनदर सेक्शन देखने को मिल जाता है, विच इज़ योर कबर्ड सेक्शन फॉर योर क्लोथ्स एंड अदर यूजर्स के लिए। एंड जस्ट कनेक्टेड दिस आपको एक अटैच वॉशरूम भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जो डिज़ाइन है वॉशरूम का काफ़ी ब्यूटिफुल है, एंड इट इज़ लाइक डबल टोन वन, ब्लैक एंड गोल्डन थीम पे पूरा बेस्ड है। सिंक, कमोड एंड सावर सेक्शन आपको तीनों डिफरेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे। प्लस जो डिज़ाइन है काफ़ी मॉडर्न है। फ्रंट साइड में जो आपको सनफ्लावर जैसा दिख रहा है, विच इज़ लाइक अ मिरर सेक्शन जस्ट कनेक्टेड टू योर सिंक। यहाँ पर आपको जो चौखट मिलेगी वो आपको वुडन में देखने को मिल जाएगी। सो दिस इज़ लाइक ओवरऑल गुड प्लानिंग, गुड डिज़ाइन ओवर द ग्राउंड फ्लोर। जैसे अपने फर्स्ट फ्लोर हम जाते हैं तो आपको मिल जाता है आपका स्टेयर सेक्शन। यहाँ पर आपको आयरन में पूरे रेलिंग मिल जाती है, विच इज़ लाइक ड्यूरेबल एंड रोबस्ट फॉर द लॉन्ग रन। 3 feet के टप्पे देखने को मिल जाएंगे ऑन वाइट स्टोन। यहाँ पर आपको मल्टीपल पॉट्स मिल जाएंगे, जो काफ़ी एनहांस करते हैं ओवरऑल स्टेयर सेक्शन को भी। प्लस जो आपके पूरे स्टेयर सेक्शन है, आपको डबल टोन में एज अ वॉल पेंट देखने को मिल जाएगा एज अ वाइट एंड ब्राउन के कॉम्बिनेशन में। जैसे अपने फर्स्ट फ्लोर पर हम आ जाते हैं तो आपको मिलता है आपका डबल हाइट सीलिंग से कनेक्टेड पूरा ओवरऑल डिज़ाइन। काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी डिफरेंट है एंड काफ़ी लेटेस्ट ट्रेंड में इसका इंटीरियर आपको फ्रंट साइड में देखने को मिल जाएगा।
ओवर द बैक साइड आपको मिल जाता है आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम। साइज इतना बड़ा है ना कि यू डेफिनेटली गोइंग टू लाइक दिस। ओवरऑल साइज की बात करें अप्रॉक्स 400 स्क्वायर फीट का ओवरऑल बेडरूम होने वाला है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू टीवी पैनल यूनिट सेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट सेक्शन एंड योर बेड। यहाँ पर आपको एक वर्क फ्रॉम होम का सेटअप भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर फ्रंट साइड फॉर द वेंटिलेशन एंड सनलाइट पर्पस। आपका जो पूजा स्पेस था वहाँ से आपको पूरा वेंटिलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कर्टन के साथ। दो हैंगिंग लाइट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगी प्लस जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस आपको मिल जाएगा आपका कबर्ड सेक्शन। ड्रेसिंग टेबल ऑन द राइट हैंड साइड एंड कबर्ड सेक्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। पूरा विनियर का वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एंड दिस इज ऑल्सो अ प्योर क्वालिटी वन। जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको एक अनदर सेक्शन देखने को मिलता है विच इज योर मास्टर बेडरूम का डिजाइन। पीओपी फॉल सीलिंग कंप्लीट के साथ आपको फुल्ली फर्निश्ड यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। बैक साइड में पूरा डार्कर थीम प्लेस किया हुआ है, लैम्प यूज किया हुआ है एंड पूरा जो बेड हेड है अकॉर्डिंग टू द थीम डिजाइन किया हुआ है विच इज लाइक क्रीमिश एंड डार्कर फॉर्म। जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको मिल जाता है आपका अटैच वॉशरूम। इसका जो टाइल्स का डिजाइन है एंड पूरा जो आर्किटेक्चर डिजाइन है काफ़ी प्योर क्वालिटी के साथ एक यूनिट टेक्सचर में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सिंक, कमोड एंड आपको सावर सेक्शन तीनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं विथ अ मॉडर्न डिज़ाइन एंड दिस इज लाइक अ गुड डिज़ाइन। यहाँ पर भी आपको जो डग है वॉश एरिया से कनेक्टेड देखने को मिल जाता है जिससे क्या होता है ना आपका वेंटिलेशन एंड अदर चीज़ें प्रॉपर मेंटेन रहती हैं। सो दिस इज योर सेकेंड मास्टर बेडरूम। जैसे ही अपने फ्रंट साइड जाते हैं तो आपको दो बेडरूम और देखने को मिलते हैं एंड दिस इज योर थर्ड बेडरूम। इट इज़ टोटली डिज़ाइन फॉर योर किड्स। जो किड्स का डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग पूरा थीम है एंड फ्रंट साइड में आपको बेड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको बेड हेड मिल जाएगा प्लस आपको मल्टीपल बुक्स अरेंजमेंट के लिए पूरा सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा एज अ स्टडी टेबल के साथ। जस्ट कनेक्टेड टू दिस आपको मिल जाएगा एक टीवी पैनल यूनिट विद अ वॉर्डरोब डिज़ाइन एज अ ड्रॉप वन। यहाँ पे आपको वॉलपेपर का टेक्सचर डिज़ाइन देखने को मिलता है प्लस आपको स्टोरेज भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्लॉक इंक्लूडेड देखने को मिलती है एंड इस बेडरूम से कनेक्टेड आपको मिल जाती है आपकी बालकनी सेक्शन। बालकनी का जो साइज है काफ़ी कनेक्टेड है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। यहाँ पर आराम से 6 to 7 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं प्लस जो पूरा बालकनी सेक्शन है आपको दोनों बेडरूम से कनेक्टेड देखने को मिलता है एंड इट इज़ लाइक ओपनेबल वन एज वेल। तो आपको जो बेडरूम का जो फील आने वाला है वो बहुत ओपन फील आएगा, कॉम्पैक्ट नहीं आएगा। काफ़ी सफिशियंट स्पेस है जितनी होनी चाहिए इन द बालकनी सेक्शन एंड किड्स रूम में आपको अटैच वॉशरूम भी ऑन द राइट हैंड साइड देखने को मिल जाएगा। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाता है आपका फोर्थ मास्टर बेडरूम। इसका भी डिज़ाइन काफ़ी लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग सेट किया हुआ है। ओवर द टॉप साइड आपको पीओपी फॉल सीलिंग कंप्लीट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। पूरा बेड का भी पूरा सेटअप आपको यहाँ पे फ्रंट साइड में देखने को मिल जाएगा प्लस जो बैकड्रॉप है यहाँ पे डार्कर एंड लाइटर थीम पे बेस्ड है। बीच में आपको लैम्प मिल जाएगा जो काफ़ी एनहांस करता है एज अ ओवरऑल लुक। प्लस यहाँ पर आपको टीवी पैनल यूनिट ऑलरेडी सेटअप देखने को मिल जाता है, एसी कनेक्टेड देखने को मिलता है, वर्क फ्रॉम होम का सेटअप देखने को मिलता है एंड दिस इज योर अनदर बालकनी सेक्शन। यहाँ पर जो बालकनी है पूरी ओपन हो जाती है तो आपको इन एंड आउट काफ़ी इजीली हो जाता है एंड काफ़ी ओपनेबल भी लगता है इन द बेडरूम सेक्शन एज वेल। अगर हम बात करें बेडरूम से कनेक्टेड आपको मिल जाता है मास्टर वॉशरूम। यस इट इज़ मास्टर इसलिए बिकॉज इसका जो साइज़ है काफ़ी ह्यूज है, मोर देन एक्सपेक्टेड वन। आपको पूरा सावर सेक्शन आपको सेपरेट देखने को मिल जाता है, कबर्ड सेक्शन इंक्लूडेड देखने को मिलता है प्लस ड्रेसिंग रूम भी मिलता है, कमोड भी मिलता है, सिंक भी मिलता है एंड एवरीथिंग। तो आप सोच सकते हैं कि 200 से 300 स्क्वायर फीट का ये ओवरऑल वॉशरूम ही है जिसमें आपको पूरा जो ओवरऑल डिज़ाइन देखने को मिलता है एंड इट इज़ डिज़ाइन एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड। तो आप देख सकते हैं कि हर एक चीज़ें हर एक कॉर्नर काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ एक लेटेस्ट ट्रेंड को भी फॉलो करता है। सो वी डन विथ आवर ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। सेकेंड फ्लोर पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी विच इज़ लाइक अ गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग। जैसे ही अपने सेकंड फ्लोर पर हम आ जाते हैं तो फर्स्ट आपको सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा विच इज़ योर मिनी बार। जब आप इतना बड़ा घर प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक स्मॉल सेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है विच इज़ योर सिट आउट, हैंगिंग आउट, पार्टी के लिए। यहाँ पर आपको मल्टीपल थिंग्स ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी एंड प्लस कनेक्टेड टू दिस आपको मिल जाएगा एक मिनी थिएटर। काफ़ी ब्यूज है, काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ पर आपको 6 रिक्लाइनर देखने को मिल जाएंगे, 4 स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, प्रोजेक्टर मिल जाएगा, वॉल ड्रॉप मिल जाएगा एंड ट्रेंडी डिज़ाइन ऑफ पीओपी एंड फॉल सीलिंग। काफ़ी ह्यूज स्पेस है, आप चाहे तो मिनी थिएटर बना सकते हैं, अदरवाइज आप एक अनदर बेडरूम को भी इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अटैच टू दिस आपको नीचे ना जाना पड़े, आपको वॉशरूम भी यहाँ पे इंक्लूडेड देखने को मिल जाता है ऑन द सेम फ्लोर। होप यू लाइक दिस ओवरऑल प्रॉपर्टी जो काफ़ी एक लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग बनाई गई है। इसका इंटीरियर काफ़ी डिफरेंट है फ्रॉम द अदर हाउसेज।
एंड दिस इज लाइक गुड डिजाइन, गुड प्लानिंग। यहाँ पर आपको गजीबो सेटअप भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, एंड विद आर्टिफिशियल ग्रास से एक एनहांस लुक देने के लिए यहाँ पर पूरा आपको आउटलुक देखने को मिल जाता है। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको इसका एलिवेशन की बात करें तो आपको ये पूरा एलिवेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। इट इज़ ऑल्सो वन एंड काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन के साथ आपको एलिवेशन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसका फ्रंट आपको 22 मिलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और मिलते हैं नई प्रॉपर्टी के साथ जल्दी। टेक केयर, बाय बाय।